हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय लिटिल गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने जा रही हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत से ये प्लांट कोलियस के प्लांट के ऊपर। तो ये जो कोलियस का प्लांट होता है, ये बहुत ही अपने आप में ही इसकी जो खूबसूरत मतलब जो खूबसूरत बहुत ज़्यादा होता है ये, और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। तो आप जो देख रहे हो कि मेरे यहाँ पे ये कोलियस का जो प्लांट है, ये पूरा बूसी हो चुका है। पूरा मतलब उसने पॉट को कवर कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो कोलियस का जो प्लांट है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। तो ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आपको मानसून के सीज़न में इसे कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो ये जो इतना पूरा भर चुका है पॉट, तो फ्रेंड्स मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये जो ठंड के टाइम आता है बारिश के बाद, मतलब बारिश के बाद और विंटर से पहले की जो टाइम आता है, तो उसमें ये कोलियस का जो प्लांट है, ये इस टाइप से फ्लावर देता है। ये इसके फ्लावर्स हैं। तो यहाँ से ही इसके जो सीड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। सेम हमारे तुलसी के पौधे की तरह ही होता है ये प्लांट। तो मैंने ये जो फ्लावर है उसे यहाँ से कट कर दिया है। आप सेम इसी टाइप से इसे कट कर दीजिए ताकि आपका प्लांट लंबे समय तक इतना ही खूबसूरत सा बना रहे। अगर ये सीड डेवलप हो गए तो ये प्लांट फिर मुरझाने लगेगा और फिर ये चला जाएगा। तो इसे इसी तरह से मतलब घना रखने के लिए और लंबे टाइम तक हमारे गार्डन में रखने के लिए, आपको इसी टाइप से इसके जो फ्लावर होते हैं, वो सीड होते हैं, उसे डेवलप नहीं होने देना। और इसके जो कलर्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ऊपर से ये कुछ इस टाइप से मतलब पिंक कलर जैसा दिख रहा है, पर अंदर से कुछ ग्रीन स्टोन ग्रीन टोन्स भी ही है। आप देख सकते हैं इसके कुछ लीव्स है वो ग्रीन है। तो ये मतलब बाहर की तरफ इसने पूरा कलर चेंज कर दिया है और अंदर की तरफ है वो ग्रीन ग्रीन है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया हुआ था मॉनसून के टाइम पे। बहुत ही छोटी सी कटिंग मैंने इसकी लगाई थी और ये इतना खूबसूरत सा बड़ा हो गया है। थोड़ी पिंचिंग भी मैंने की थी बाद, जब ये थोड़ा सा मतलब ग्रोथ करने लगा था, तब मैं थोड़ी थोड़ी पिंचिंग भी इसकी करती रहती हूँ। तभी ये इतना मतलब पॉट को इसने कवर कर लिया है। तो बस फ्रेंड्स, इसे बहुत ज़्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है फर्टिलाइज़र में। सिर्फ मैंने इसे गोबर की खाद ही दी है और रेगुलर वाटर दे। इस प्लांट को रेगुलर वाटर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे वाटर नहीं दोगे रेगुलर, तो इसके जो लीव्स है वो डाउन हो जाएंगे, मतलब मुरझा जाएंगे। तो मुझे इसे रेगुलर 2 times वाटर देना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात सूरत में बहुत ज़्यादा भी गर्मी का टाइम चल रहा है। तो ये पूरा वाटर जो होता है वो सूख जाता है दोपहर के टाइम पे। तो मुझे इसे वापस 4 बजे वाटरिंग करना पड़ता है, तभी ये इतना खिला खिला सा रहता है। तो बस फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पे कोलियस का प्लांट नहीं है तो आप ज़रूर लाइएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत सा एक प्लांट होता है। और इसके जो लीव्स होते हैं, अगर हमारे गार्डन में फ्लावर ना हो तो ये सब जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, वो हमारे गार्डन में बहुत ही एक अलग सा कलरिंग इफेक्ट देते हैं। वो लीव्स की मतलब लीव्स ना हो तो भी ये प्लांट हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत सा एक क्रिएट करते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही। ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आप रख सकते हैं। और ये हल्की धूप में रहने वाला प्लांट है, मतलब इसे धूप तो चाहिए पर बहुत ज़्यादा धूप ये नहीं एडजस्ट कर पाता है। मैंने इसे कुछ इस टाइप से यहाँ पे रखा हुआ था, जहाँ पे ये वॉल आप देख रहे हो इसका उसे शेड मिल रहा था। पर अभी मैंने वीडियो के लिए इसे बाहर निकाला हुआ है, मतलब इसे थोड़ी ही धूप मिलती है शाम के टाइम की इस जगह पे। बस मैंने वीडियो के लिए ही इसे बाहर निकाला हुआ है।
तो बस फ्रेंड्स इतना ही, तो बाय। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।